तो मैं अंदर घुस रहा हूँ। ऐसे नज़ारा मैं कभी नहीं देखा हूँ यहाँ पर। मोस्ट इंटरेस्टेड एंड इंटरटेनमेंट कैरेक्टर गोलोरिटिव, और आप सभी को गोलोरिटिव पंचनल में फिर से स्वागत करता हूँ। हाँ दोस्त, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ भी। और आज का वीडियो है कुछ अलग होने जा रहा है, कुछ दमदार। दमदार इसलिए होने जा रहा है कि आप सभी को मैं यह बाईपास के टनल को हम दर्शाऊंगा, अंदर में क्या क्या चीज़ होता है और कैसे कैसे होता है। आप सभी आज मैं आप सभी का क्यूरियोसिटी को, मैं आप सभी का डाउट को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा खून में ही तो ब्लैक मंबा का जहर है, आप इसे घर और कहीं पर भी करने की कोशिश मत कीजिएगा। दोस्तों अंदर से बाहर की ओर कुछ इस तरह देखते हैं, हम बाहर से अंदर की ओर कैसा देखता है अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। बाहर से अंदर की ओर इस तरह कुछ देखते हैं दोस्तों, अभी मैं आप सभी को अंदर लेके अंदर का चीज़ को आप सभी को मैं दर्शाऊंगा। तो दोस्तों आप सभी लास्ट वीडियो तक बने रहे और स्किप मत कीजिए। अभी मैं अंदर धीरे धीरे घुस रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पानी का लेवल भी घुटनों तक है, बहुत ही रिच है, तो संभल कर चलना पड़ा है। तो मैं अभी अंदर घुस रहा हूँ। इस तरह के जगह में चलना बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि हमें इस तरह के जगह में नीचे झुककर देखना पड़ता है। ऊपर दीवार को देख सकते हो, पूरा आयरन से मकड़ी का जाली जैसा पूरा सजा बना के रखा है, ताकि प्रेशर बना रहे ऊपर से ना दबे, इसलिए यहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, जिस बाईपास टनल में मैं घुस रहा हूँ इसको अभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। ना अंधेरा है, कुछ भी ठीक से नहीं देख पा रहे हैं दोस्तों, सच बताओ तो देख सकते हो ऊपर पूरा अंधेरा हो गया है। तो अभी मैं टॉर्च जलाने जा रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ चमगादड़ का आबादी बहुत है, इतना सारा चमगादड़ देख सकते हो दोस्तों, इतना सारा चमगादड़ देख पा रहे हो कि नहीं। और यहाँ से अभी रास्ता हो गया, सूख गया अभी यहाँ से, अभी यहाँ से सूख गया है। तो अभी चलने के लिए बहुत आसान लग रहा है। और हाँ, ऐसे जगह में जल्दबाज तो बिल्कुल ना करें, और आके कुली रख के और दिमाग चौकन्ना। इतना सारा चमगादड़, एक साथ चमगादड़ हमला करने से मैं नहीं बच पाऊंगा, इसलिए मैं इतना शोर नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे अंदर घुस रहा हूँ। मेरा बचपन से इच्छा था कि मैं अंदर घुस के देखूँ, आज इच्छा पूरा हो रहा है। एक मोटिवेशन लाइन आप लोगों के लिए दोस्त, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो रिक्स उठा और समझ का क्लब जाओ। आज मैं रिक्स उठा के मेरा इच्छा पूरा हो गया है दोस्त। इतना सारा चमगादड़, वाह, ऐसे नज़ारा मैं कभी नहीं देखा हूँ। यहाँ पर मोटा वाला भी है और यहाँ पर एक फैमिली यहाँ पर है। तो मैं आप लोगों को जितना हो सके अंदर जाकर दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा चमगादड़ उड़ के निकल आ रहा है, ऐसा नज़ारा मैं कभी नहीं देखा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं किस्मत वाला हूँ, मुझे ही दिखाई मिल रहा है, ये सब देखने को मिल रहा है। फाइनली दोस्तों मुझे अंदर का जानकारी मिल गया है, अंदर में नाक जला देने वाला बदबू और चमगादड़ का अलावा कुछ नहीं है। और हाँ, मेरे जैसे आप लोग घुस के मत देखिए, यहाँ पर आप लोग को खतरनाक बीमारी भी लग सकता है, यहाँ पर बदबू नाक जला देता है। और मैं अंदर जा रहा हूँ, और ना पूरा यहाँ से आप लोग भी देख पा रहे हो कि नहीं, तो यहाँ पर एक चमगादड़ देख सकते हो, यहाँ पर भी एक। तो दोस्तों अंदर इतना चमगादड़ है कि क्या ही बताओ आप सभी को। यहाँ पर बहुत गंद मिल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी कोरोना हो जाऊंगा। इतना मोटा मोटा वाला उड़ रहा है देख सकते हो भैया, ये सब चमगादड़ है। और
देख सकते हो ऊपर पूरा यहाँ पर कॉलोनी बना के रखा है। ये लोग, ये बच्चा है मेरे ख्याल से, ये बच्चा है वो अंदर। और लास्टली दोस्तों यहाँ पर बंद कर चुका है, ब्लॉक हो चुका है, यहाँ पर इतागत बना कर रखा है ताकि कोई अंदर ना जा सके। अभी मैं अंदर तक घुस चुका हूँ। यह आखिरकार ये ब्लॉक हो गया, इसको पूरा इतागत करके रखा है। और मेरा ख्याल से ये बच्चा है, देख सकते हो इतना प्यारा सा है, इतना प्यारा बच्चा है। और दोस्तों डिस्टर्ब करने के लिए आप सभी को चंगादा दोस्त, आप सभी को मैं माफ़ी चाहता हूँ डिस्टर्ब के लिए, पर मेरा भी इच्छा था यहाँ पर घुसने के लिए, तो मैं फिर वापस जा रहा हूँ ताकि अंदर में इतना ज़्यादा, अंदर में इतना देर बैठना भी अच्छा नहीं है, बीमार भी हो सकता है, तो मैं तुरंत वापस जा रहा हूँ। दोस्तों मैं अभी वापस निकल रहा हूँ, यहाँ पर बहुत डरावना है, इसलिए अकेला ज़्यादा घुसना भी बहुत रिस्क काम है, तो मैं ना अपने आप को मेरे प्रेशर नहीं डालेगा, रिस्क नहीं डालेगा, तो मैं फिर से वापस निकल रहा हूँ। मुझे वहाँ सूरज की रोशनी देख रहा है, तो मैं वापस फिर से जा रहा हूँ। सूरज की रोशनी का मतलब है कि वहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, अब मुझे वहाँ तक पहुँचना होगा।